मैंने सबसे पहले बोला कि भाई पाइथन हमें इंस्टॉल कर लेनी है। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, आइडियली। ये पाइथन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। मैं यहाँ पे आइडियली पे क्लिक करता हूँ और ये हमारा यहाँ पे पाइथन का इन्वायरमेंट ओपन होकर आ गया, पहला काम। दूसरा काम अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रोग्राम लिखने हैं। एक तो तरीका ये है कि तुम यहाँ पे प्रोग्राम लिख लो, मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट थैंक्स एंड वेलकम। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हमारा इमीडिएट मोड है। इमीडिएट मोड का मतलब आपने एक लाइन लिखा और इंटर किया, रिजल्ट मिल गई। अब भाई आपके प्रोग्राम में तो कई सारे लाइन होंगे, तो हम यहाँ पे प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। और प्रोग्राम को हम कहाँ पे लिखेंगे, हम आते हैं फाइल में, और फाइल में आने के बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ न्यू फाइल, और न्यू फाइल में आने के बाद हम यहाँ पे अपना काम करेंगे। ये देखो ये हमारा कॉमेंट लाइन है, जैसे हम लोग सी में कॉमेंट करते हैं ऐसे, जावा में हम कॉमेंट इस तरीके से करते हैं, डॉट नेट के अंदर हम कॉमेंटिंग ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम कॉमेंटिंग ऐसे करते हैं, हैश लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ जी फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन, ठीक। चलो अच्छी बात है भाई, आपने पहला प्रोग्राम बना लिया पाइथन के अंदर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा कॉमेंट है, इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कॉमेंट। ये हमारा सिंगल लाइन कॉमेंट है। यदि आपको एक लाइन में अपनी कॉमेंट लिखनी है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कॉमेंट का मतलब क्या है, कॉमेंट में आप काफ़ी चीज़ें डाल सकते हो, आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, भाई ये प्रोग्राम क्यों बना रहे हो, कब बना रहे हो, किसने बनाया है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ यहाँ पे रिटन बाय, मैं यहाँ बोलता हूँ रिटन बाय संतोष द ग्रेट, भाई अपने नाम के आगे मैं खुद ग्रेट लगा देता हूँ, क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम के अंदर मैंने ये डाल दिया। अब यदि मान लो मुझे मल्टी लाइन कॉमेंट लिखनी है, तो मल्टी लाइन कॉमेंट हम इस तरीके से लगाते हैं। अब इसी लाइन को मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइन में लिख सकता हूँ। तो कई बार होता है कि कॉमेंट में हमें काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, पूरी प्रोग्राम को ही मान लो कॉमेंट करना है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे मल्टी लाइन कॉमेंट यूज कर सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, मल्टी लाइन कॉमेंट है। अब मल्टी लाइन कॉमेंट का मतलब आपने कई लाइन में अपने कॉमेंट को लिखा है, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि हमें मल्टी लाइन कॉमेंट करना हो तो मल्टी लाइन कॉमेंट को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये सिंगल कोटेशन की जगह आप यहाँ पे ये डबल कोटेशन लगा दो जी। यदि आपने ये डबल कोटेशन लगा दिया तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे मल्टी लाइन कॉमेंट कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं हमारे कॉमेंटिंग के लिए। सिंगल लाइन के लिए ये है, और यदि मल्टी लाइन कॉमेंट करना हो तो हम इस तरीके से करेंगे या फिर हम इस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा कॉमेंट है, नंबर वन। नंबर टू, अब कॉमेंटिंग तो आपने सीख लिया कि कैसे करते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे सबसे पहला हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, मुझे कुछ भी डिस्प्ले करना है, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप इनपुट कर लें और जो भी आपने इनपुट करा है उसको आप डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट, मैं यहाँ पे बोलता हूँ वेलकम इन पाइथन, बोल दिया हमने यहाँ पे। अब मुझे मान लो इनपुट लेना है तो मैं बोलता हूँ एन एम इज इक्वल टू, याद रखना यहाँ पे डेटा टाइप वगैरह डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ये डायनामिक टाइप लैंग्वेज होती है। डायनामिक टाइप का मतलब ये खुद ब खुद डेटा टाइप समझ जाता है, आप जो वैल्यू दोगे उसके हिसाब से ये डेटा टाइप ले लेता है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ एंटर नेम, जो भी आपने नेम डालना है डाल दो, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट द नेम इज, और दो चीज़ों को डिस्प्ले करना हो तो हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। भाई एक तो आपको डिस्प्ले करना है द नेम इज, और दूसरा हमने लगा दिया कॉमा, और कॉमा के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ एन एम। अब यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो रन करने से पहले आप क्या करोगे, फाइल को सेव कर लो, कहीं भी सेव कर लो यार, जो मन करे उस नाम से सेव कर दो। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ए डॉट पाई, पाई मतलब इसका पाइथन एक्सटेंशन होता है, और मैं इसको रन करता हूँ, ये रहा रन, और यहाँ पे कर दो रन मॉड्यूल या फिर कर दो F5। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आ रहा है एंटर नेम, मैं यहाँ पे बोलता हूँ संतोष, और देखो आ गया द नेम इज संतोष। अब यदि मान लो मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से दिखाना चाहूँ, ये देखो, अब यदि मैं इसको रन करूँ एंटर नेम, मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ अमित, ये देखो आ गया द नेम इज अमित। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको प्रिंट करना हो तो प्रिंट, इनपुट लेना हो तो आप ये यूज़ करते हैं। समझ में आई बात, ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको मैं इस नोट्स में यहाँ पे डाल दूंगा। देखो ये मल्टी लाइन सिंगल लाइन कॉमेंट है, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो इन चीज़ों को मैं नोट्स बना के डाल दूंगा, और ये चीज़ें आपके वीडियोज में डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल होंगी, तो डिस्क्रिप्शन से तुम कॉपी कर सकते हो कभी भी, और लिखना चाहो तो लिख लो यार, दो दो लाइन के कोड हैं। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे नंबर इनपुट लेना है और उसका सम निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ,
मैं बोलता हूँ एन इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट में मैं यहाँ पर बोलता हूँ एंटर नंबर। मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ एम इज इक्वल टू इनपुट नंबर, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ सम वन इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ एन प्लस एन। अब मैं यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ द सम इज, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ सम इज हमारा सम क्या होगा, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सम, डाल दिया। अब यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, ये देखो मैंने दिया 55, मैंने दिया 66 और मैंने दिया 77, इसका सम आ जाना चाहिए लेकिन आएगा नहीं। इसने क्या करा, इसने कॉनकैटिनेट कर दिया। कॉनकैटिनेट का मतलब एक के बाद एक को ऐड कर दिया, क्यों? क्योंकि याद रखना जो हम इनपुट लेते हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारा स्ट्रिंग जाता है, तो हमें क्या करना होगा उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। बहुत मुश्किल काम है पाइथन के अंदर। क्या करोगे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, तुम्हें इंट लिखना पड़ता है। देख रहे हो कितना मुश्किल है, बाकी लैंग्वेज में तो यूं ही हो जाता है, यहाँ पे इंट लिखना पड़ता है तब कन्वर्ट होता है भाई। अब रन करो, नंबर डाल, यहाँ पे मैं नंबर डालता हूँ, मैं नंबर डालता हूँ, नंबर डालता हूँ, ये देखो सम आ गया, द सम इज 165। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनपुट लेते हैं नंबर। नंबर इनपुट लेने के बाद आपको उसे टाइपकास्ट करना जरूरी होता है, टाइपकास्ट करना जरूरी होता है। तो इस प्रोग्राम को भी मैं यहाँ पे उठा के डाल देता हूँ, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक। अब आइए मैं यहाँ पे आता हूँ अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर, और मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आप इफ स्टेटमेंट कैसे यूज करोगे। जो हमारा इफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो जो रन करता है, एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन कंडीशन, ये कंडीशन के ऊपर बेस्ड करता है। मतलब अभी ये कंडीशन होगा तो रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, चलो मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, और मैं यहाँ से बोलता हूँ कि यदि नंबर मेरा 100 से ज़्यादा है तो डिस्प्ले कर दो ग्रेटर देन 100, और यदि वो 100 से कम है तो डिस्प्ले कर दो लेस देन 100। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ एन लेस देन 100। याद रखना तुम लोग सी में जब काम करते हो, जावा में काम करते हो, डॉट नेट में काम करते हो, तब तक तुम बड़े खुश होकर यहाँ पे ब्रेसेस लगा देते हो। ब्रेसेस का मतलब हो गया कि ये इसकी बॉडी है, इसका मतलब यहाँ पे जो कुछ भी मैं लिखूंगा ये इसकी बॉडी होगी, होगी ना। लेकिन पाइथन में ब्रेसेस नहीं होते, तो पाइथन में हमें इंडेंटेशन यूज करना होता है। इंडेंटेशन का मतलब स्पेसिंग। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं। तुम्हें क्या करना है, तुमने लिखा इफ एन लेस देन 100, अच्छा जी यहाँ पे लगा दो कॉलन, क्या लगा दोगे कॉलन। अब मैं करता हूँ एंटर, कर्सर हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब तुम्हें जो कुछ भी लिखना है यहीं पे लिखना है। अब यहाँ पे बहुत चालाकी करके कर्सर को यहाँ पे मत कर देना, अब ये एरर आ जाएगी, क्योंकि ये इंडेंटेशन फॉलो करता है। अभी मैंने यहाँ पे एंटर करा, अब आपको जो भी लिखना है यहीं पे लिखना है। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ प्रिंट, और मैं आप बोलता हूँ द नंबर इज, नंबर इज ग्रेटर देन लेस देन 100। अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, ये तो काम मैंने कर लिया, अब मुझे एल्स का कंडीशन लगाना है। तो एल्स किसके सामने होगा, इफ के सामने होगा, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एल्स, और यहाँ पे कॉलन, और फिर एंटर, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रिंट, प्रिंट द नंबर इज ग्रेटर देन 100। इस तरीके से हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। यहाँ पर हमें कॉलन लगाना है, एल्स के बाद भी कॉलन लगाना है, यहाँ पर ब्रेसेस होती नहीं है, तो यहाँ पर आपको इंडेंटेशन फॉलो करनी है। अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो एंटर नंबर, मैं बोलता हूँ 789, पर वो क्या आ रहा है, द नंबर इज ग्रेटर देन 100, परफेक्टली फाइन। अब यदि मैं इसको रन करूँ, नंबर देता हूँ, क्या आ रहा है, द नंबर इज लेस देन 100, परफेक्टली फाइन। अब तुम लोग यहाँ पर क्या गलती करोगे, जिसकी पूरी संभावना है, तुम लोग गलती क्या करोगे, तुम लोग भाई महान आदमी हो, थोड़ा सा तुम लोग बोलोगे अरे बेकार में ये स्पेस जा रहा है, एक काम कर यहाँ से लिख, और इसको भी तुम उठा के भाई साहब को यहाँ पहुँचा दोगे, और अब प्रोग्राम को रन करोगे, अब ये बेचारा चिल्लाता रहेगा, देखो क्या बोल रहा है, ये पढ़ो, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक, इंडेंटेड ब्लॉक, इंडेंटेड ब्लॉक का मतलब भाई स्पेस उस्पेस तो डालो, अब तुम बड़े खुश हो के एक और स्पेस डाल दोगे ऐसे। अब ये गलत है, आप एक काम करो, यहाँ पे देखो तरीका मैं सिंपल बता रहा हूँ, आप इसको एंटर करो, कर्सर जहाँ पे आता है वहीं पे तुम्हें लिखना है,
यहाँ पे भी एंटर करो, कर्सर जहाँ था वहीं लिखना है। इस चीज़ को समझ लो, इसको चेंज नहीं करना, इसमें अपना फॉर्मूला मत डाल देना। और यदि डाल दोगे तो फिर रन करते रहो, अब वो रन नहीं करेगा, परेशान होते रहो, बोलोगे सर रन ही नहीं कर रहा था। तो जब कभी भी ये मैसेज आ जाए ना, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, इसका मतलब समझ लो कि मैंने कुछ स्पेस में पंगा करा है, कुछ स्पेस में प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे डाल दो, अब ये सही काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इफ को लेके काम करते हैं। बात समझ में आई? इफ स्टेटमेंट हमें ऐसे लगाना है। तो जब कभी भी आपको इफ स्टेटमेंट यूज करना है तो इफ स्टेटमेंट को हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे। आपको यहाँ पे इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। अब आइए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। चलो अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि भाई हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई आप यहाँ पे एंटर मंथ नंबर, अब मंथ का नंबर डालो और उस मंथ के हिसाब से आपने डाला 1 तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा जनवरी, आपने डाला 2 तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा फेब, आपने डाला 3 तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा मार्च। तो अब इस काम को मैं कैसे करूँ? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ एन इज इक्वल इक्वल टू, इफ एन इज इक्वल टू 1, यदि 1 है देन आपको क्या करना है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द मंथ इज जनवरी, डाल दिया आपने। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे else if का यूज करना है। तो else if का यहाँ पे यूज कैसे करूँ भाई, मल्टीपल कंडीशन लगाना है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ else if, मैं यहाँ पे बोलता हूँ else if, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ n is equal to 2, अगर n हमारा 2 हो तो आपको क्या दिखाना है? मैं बोलता हूँ द मंथ इज मैं यहाँ बोलता हूँ February, अगेन मैं यहाँ पे बोलता हूँ else if, इस तरह से 12 तक डाल दो। मैं बोलता हूँ else if n is equal to 3 then display कर दो मार्च, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ else, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ print, और भाई मैं कितना डिस्प्ले करूँ तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ बहुत हो गया है ना, काफ़ी मंथ हमने डाल दिया, तो अब ज़्यादा कुछ डालने की संभावना नहीं बचती हमारी। आप लोग चूंकि लर्न कर रहे हो तो आप लोग डालो 12 तक, मजे लो इसके और क्या। और यदि मैं इसे रन करूं यहाँ पे, ये देखो ये क्या, ये बोल रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स, बचपन से पढ़ रखा है सी में, जावा में, C++ में, C# में। जब कभी भी हम यहाँ पे लगाते हैं तो केवल इक्वल टू नहीं लगाते, मुझे चेक करना है ना, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डबल इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, यहाँ पे भी लगेगा इक्वल इक्वल टू और यहाँ पे भी लगेगा इक्वल इक्वल टू। अब यदि मैं इसको रन करूँ, अब ये क्या, अब ये बोल रहा है जी इनवैलिड सिंटैक्स। अब ये क्यों बोल रहा है प्रभु ये इनवैलिड सिंटैक्स? तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये क्या, ये फिर बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। ये तो बड़ी दिक्कत आ गई, मैं यहाँ पे एलसीएफ चला रहा हूँ, चल ही नहीं रहा है। मीनाक्षी कोई सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, ये क्यों नहीं चल रहा है, ये तो ले ही नहीं रहा। सॉल्यूशन ये है कि हम यहाँ पे यूज करते हैं इलिफ, ना तो यहाँ पे एलसीएफ होता है, ना तो एलसीएफ के बीच में स्पेस होता है, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इलिफ। ये होती है जी पाइथन की कहानी, बहुत अच्छा। मान लो मैं देता हूँ 2, आ गया था मंथ इज फैब, अब यदि मैं इसे रन करूँ, मैं देता हूँ 3, आ गया जी मंथ इज मार्च, फिर से मैं रन करूँ, मैं देता हूँ 88, क्या आ गया मैसेज, बहुत हो गया। सही बात है, 88 कौन सा मंथ है? तो जरा गौर करो, यहाँ पे एलसीफ नहीं चलती, यहाँ पे एलसीफ के बीच में स्पेस नहीं देना होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या चलता है, इलिफ चलता है। तो ये हमारा इफ है, यदि ये कंडीशन काम करेगा तो ये सही है, अदरवाइज वो फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, अदरवाइज वो इस कंडीशन को चेक करेगा, एंड फाइनली वो हमारा इस तरीके से लेके दिखा देगा। तो यहाँ पे जब कभी भी हमें मल्टीपल इफ लगाना हो तो मल्टीपल इफ के लिए हम लोग ये वाला कोड यूज करते हैं। समझ में आई बात? याद रखिएगा यहाँ पे इलिफ लगता है, यहाँ पे एलसीफ नहीं लगता है, ठीक। ये तो चलो तुमने यूज कर लिया। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई हमारा ये जो है
भाई बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम होता है, सभी जगह हम लोग करते हैं। मैं बोलता हूँ कि एक नंबर एंटर करो, एंटर नंबर एंड डिस्प्ले द नंबर इज इवन और ऑड। बचपन से पढ़ रखा होगा इवन और ऑड के प्रोग्रामिंग तो आप करते ही हो। तो भाई आप ये काम कैसे करोगे, तो बड़ा मुश्किल काम है भाई, कैसे करूँ मैं इस काम को। भाई नंबर तो इनपुट कर लिया, अब मुझे चेक करना है ये नंबर हमारा इवन है या ऑड है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ एन मॉड टू इज इक्वल इक्वल टू जीरो, भाई इसका मतलब क्या। अब मैं बोलता हूँ प्रिंट, मैं बोल देता हूँ नंबर इज इवन। एल्स मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, एल्स मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ प्रिंट, मैं बोल देता हूँ द नंबर इज ऑड। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ नंबर इज ऑड। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैंने यहाँ पे बोल दिया नंबर इज इवन, नंबर इज ऑड। अब यदि मैं इसको रन करता हूँ, नंबर डालो, मैं बोलता हूँ 5, क्या बात है, मैसेज आ गया नंबर इज ऑड, गुड। यदि मैं इसे रन करूँ यहाँ पे, मैं बोलता हूँ नंबर डालो, मैं बोलता हूँ 4, मैसेज आ गया नंबर इज इवन, ग्रेट। क्या जबरदस्त प्रोग्रामिंग करते हो तुम लोग, एक मिनट में तुमने बना। अरे ये क्या है, एंटर मंथ नेम, मंथ नंबर, इसको थोड़ा सा ईमानदारी से नंबर लिख दो। अब यदि मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ 2, ये देखो आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये इवन ऑड का प्रोग्राम तो बचपन से बनाते आ रहे हो, तो इस प्रोग्राम को यदि फिर से बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। तो ये राजी, इस तरीके से हम यहाँ पे इवन ऑड का प्रोग्राम बनाते हैं। ये तो चलो ऊपर वाले की कृपा से आपने ये इफ एल्स ये सब समझ में आ गया अब आपको। अब मैं काम करता हूँ, मैं फॉर लूप यूज करता हूँ, ये मेरा बेहतरीन है ये फॉर लूप। इस फॉर लूप के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है, फॉर लूप हम लोग क्यों यूज़ करते हैं किसी भी काम को नंबर ऑफ टाइम्स करने के लिए। ये फॉर लूप है ना हमारा, नंबर ऑफ टाइम्स किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई आप एक काम करो, आप अपना नाम 5 बार डिस्प्ले कर दो, आपको अपना नाम 5 बार डिस्प्ले करना है। तो इसमें क्या है, मैं कर देता हूँ फॉर आई इन, और यहाँ पे एक फंक्शन होता है रेंज, यहाँ पे एक फंक्शन होता है रेंज, और मुझे 5 बार काम करना है तो मैं यहाँ पे देता हूँ 5, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट आई, या मान लो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ प्रिंट संतोष। अब यदि मैं इसे रन करूँ, वाह क्या बात है, 5 बार बस हमने एक लाइन लिखा और ये 5 बार डिस्प्ले कर दिया, क्या मैजिक है ये देखो। तो आप यहाँ पे फॉर लूप ऐसे लगाते हो, फॉर आई इन रेंज और यहाँ पे ये कॉलन। अब यहाँ पे फिर तुम लोग बुद्धिमानी कर दोगे अपना, क्या करोगे बुद्धिमानी, यहाँ पे इसको उठा के यहाँ डाल दोगे, बोलोगे जी सही नहीं आ रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था उसमें, हमने यहीं डाल दिया, तो लो फिर भुगतो और क्या। ये देखो सही आ रहा है, अब वहाँ पे एरर आ गई। अब ये एरर क्यों आ रही है, तुमने स्पेस उस्पेस भी तो दोगे, स्पेस भी कोई चीज़ होती है भाई, आप इसको यहाँ पर लिखो। तो तरीका ये होता है, इस बात का ध्यान रखो, ये देखो आ गया। मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि साथ के साथ मैं यहाँ पे ये भी दिखा दूँ कि आई की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे ये भी दिखा दूँ वैल्यू ऑफ आई, मैं यहाँ बोलता हूँ आई की वैल्यू क्या है, तो मैं बोलता हूँ कॉमा आई। तो अब यदि मैं इसको रन कर दूँ, अरे वाह आई की जो वैल्यू है 0 से स्टार्ट होती है 4 तक जाती है, अच्छा 5 लिया तो 0 से 4 तक जाएगी, बहुत बढ़िया। अब मैं इसी काम को थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक काम करो आप 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले कर दो, 1 to 10 आपको डिस्प्ले करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 1, कहाँ तक डिस्प्ले करना है 10 तक। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि यदि मैं 1 to 10 डालूँगा तो वो जो है 9 तक ही चलेगा, एक कम चलता है भाई, ये देखो 9 तक ही चल रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1 to 10 नहीं करना है, इसको 1 to 11 करना है, अब करोगे तो 1 to 10 आएगा, ये सही है, मतलब एक कम लेना है बस, ये ध्यान रखना है। आपने ऊपर में गौर नहीं करा, मैंने 5 दिया था तो 5 तक थोड़ी चला, वो 4 तक ही चला, मैंने यहाँ पे 11 दिया तो वो 10 तक चलेगा। अब मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आप एक काम करो कि 1 से लेके 20 तक जितने भी इवन नंबर हैं सबको डिस्प्ले कर दो। तो इवन नंबर हमारा कहाँ से शुरू होगा भाई, 1 तो होगा नहीं, हमारा 2 से स्टार्ट होगा, तो मैं बोलता हूँ 2, और कहाँ तक लेना है 20 तक लेना है, तो मैंने पहले बोला कि 1 ज़्यादा ले लिया करो तो 21 कर दो, और यहाँ पे मैं देता हूँ 2,
टू का मतलब ये हमारा स्टेप्स है, यानी कि 2 से स्टार्ट होगा, 21 तक जाएगा, और 2 के बाद क्या आएगा, 4, 6, 8, 10। अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, सारे इवेंट नंबर को इसने डिस्प्ले कर दिया। अभी मान लो मैं बोलता हूँ कि एक काम करो, 5 का टेबल डिस्प्ले कर दो। भाई बचपन में जो 5 का पहाड़ा याद किए होगे, तो मैं बोलता हूँ कि 5 का पहाड़ा डिस्प्ले कर दो। तो 5 का पहाड़ा कैसे डिस्प्ले करोगे, फॉर आई इन रेंज, और मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, 5, 5 से स्टार्ट करना है, 50 तक जाना है, मैं एक ज़्यादा ले लेता हूँ, और स्टेप मैं कर देता हूँ 5। तो इस तरीके से हम लोग रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं, और रेंज फंक्शन का यूज करके हम फॉर लूप के साथ इस तरीके से काम करते हैं। अब यदि मैं रन करूँ यहाँ पे, ये देखो आ गया 5, 10, 15, 20, 25, 50, 45, 50, सब आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फॉर लूप यूज करते हैं। तो जब कभी भी आपको फॉर लूप यूज़ करना हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, और मैं इसको इस नोट्स में भी डाल देता हूँ कि फॉर लूप को कैसे यूज करोगे। कितना आसान है, अभी मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि एक काम करो, 5 नंबर इनपुट करो और चेक करो वो नंबर है इवन है या ऑड है, तो क्या करोगे? मान लो मैं बोलता हूँ कि 5 नंबर इनपुट करो और चेक करो कि ये नंबर हमारा इवन है या ऑड है, क्या करोगे? कुछ मत करो, ये वाला जो कोड है इवन ऑड वाला, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और इस कोड को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं इस कोड को यहाँ पर डाल देता हूँ, डाल दिया। और ये जो इफ़ है, थोड़ा सा ईमानदारी से यहाँ पर इंडेंटेशन कर लें, पता चलना चाहिए किसके अंदर में कौन है। ये देखो आप रन करो इसको, मैं नंबर डालता हूँ, मैं बोलता हूँ 3 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है, 9 ऑड नंबर है, 10 इवन नंबर। सही है ये तो भाई, मैंने यहाँ पे बस फॉर लूप ही तो डाला उस प्रोग्राम में। तो फॉर लूप का काम ये होता है, नंबर ऑफ टाइम, यदि कोई ऑपरेशन करना है किसी भी काम को कई बार करना हो तो भाई ये थोड़ी है कि मैं 50 बार करना है तो 50 बार लिखता रहूँगा, मैं फॉर लूप लगा के अपना काम कर लूँगा, इसीलिए तो ये लूप होता है यहाँ पर। और यदि मैं ये बोलूँ, अच्छा फॉर लूप के साथ एक चीज़ और है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लगाता हूँ एल्स और मैं यहाँ पर बोलता हूँ प्रिंट, क्या बात है, डाल दिया मैंने यहाँ पे, बोल दिया क्या बात है, रन करो, ये तो अपना नंबर डाल दो, नंबर डाल दो, आउटपुट आ गया एंड फाइनली मैसेज आ गया क्या बात है। ये इकलौती एक ऐसी लैंग्वेज है, कम से कम 25 साल से तो मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ये इकलौती एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें फॉर लूप के साथ भी एल्स लगता है। और मज़ेदार बात यह है कि एल्स चलता कब है, जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाता है तब। ये अच्छी चीज़ है, इसमें बुराई नहीं है, यहाँ पर मैसेज दे सकते हो प्रोसेस कंप्लीटेड, प्रोसेस कंप्लीटेड। दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में फॉर लूप के साथ एल्स नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर फॉर लूप के साथ एल्स भी लगता है। यदि मैं इसको रन करूँ, लेकिन वो एल्स चलेगा कब, जब फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तब। यदि मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, ये देखो मैसेज आ गया प्रोसेस कंप्लीटेड, क्या बात है। तो ये बड़ी अच्छी सी चीज़ है जो हमारे सामने यहाँ पर निकल के आ गया, यहाँ पर मैसेज आ गया प्रोसेस कंप्लीटेड, क्या बात है। तो भाई अब तो आप लोग मास्टर हो गए फॉर लूप के। पाइथन के अंदर फॉर लूप में हम एल्स भी लगा सकते हैं, इफ भी लगा सकते हैं। और अभी मैं बोलूं कि भाई मुझे एक काम करना है, मैं चाहता हूं कि भाई यार ये 5 बार मुझे काम नहीं करवाना, या चलो मैं इस काम को ऐसे करता हूं, मैं यहां पर डिस्प्ले करता हूं कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 10 तक, या 1 से लेके 10 तक। अब मैं बोलता हूं कि एक काम करो भाई, और जब मुझे ना एक नंबर से चीज़ है, कौन सी, 4, ये 4 जो होता है ना बड़ा बेकार सा नंबर है, तो मुझे इस 4 को ना हटा देना है, मतलब जब कभी भी ये 4 आ जाए तो उसको डिस्प्ले ना करे। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट आई, आई को डिस्प्ले कर दूँ, और मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, इफ़ आई इज इक्वल टू 4, यदि आई की वैल्यू 4 हो जाए तो क्या कर जो, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू का मतलब भाई ये काम करना, फिर तुम्हें ये कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाओ। कंटिन्यू का मतलब होता है जस्ट एस्केप फ्रॉम द करंट पोजीशन, वो वहाँ से आगे बढ़ जाएगा। रन करो, ये देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, लेकिन 4 नहीं आया, मुझे 4 से एलर्जी है, तो मैंने यहाँ पर 4 को हटा दिया, गुड। तो एक तो होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जब कभी भी लूप में तुम कंटिन्यू लगाते हो, कंटिन्यू का मतलब होता है एग्जिट फ्रॉम द करंट पोजीशन, जस्ट एस्केप करता है, कंटिन्यू का मतलब होता है एस्केप।
कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप कर जाना, वो स्किप कर जाएगा। और एक भाई साहब और होते हैं ब्रेक, ये तो बहुत महान है, ये तो सीधे लूप से बाहर निकल जाएंगे, एग्जिट फ्रॉम लूप, ये तो ब्रेक है जी, ब्रेक कर देगा। अब जैसे मैं बोलता हूँ मुझे फोर्स एलर्जी है, ये तो बिल्कुल, अब इसने बोला जी फोर्स एलर्जी है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो यहाँ पे कर दो ब्रेक, ना तो हम फोर दिखाएंगे ना तो हम आगे का दिखाएंगे, रन करना जरा। अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो केवल 1 2 3 आ रहा है, याद रखना जब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो ये लूप से ही बाहर निकल गया, एल्स वाला भी काम नहीं करा। तो ब्रेक का मतलब होता है एग्जिट फ्रॉम द लूप। और यदि तो आप यहाँ पे आपकी जवाबदेही ये बनती है कि ये ब्रेक और कंटिन्यू लगा के देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये करता क्या है। ऑलरेडी ये चीज़ें यहाँ पे हैं तो मैं इसको भी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये हमारा लूप के अंदर हम यहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यू किस तरीके से यूज करेंगे, तो ये जो कोड है हमारा ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, अब ये तुमने फॉर लूप लगा दिया, भाई आप लोग बड़े स्मार्ट लोग हो, अपना फॉर लूप लगा के तो काम निपटा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैं इसी काम को करना चाहता हूँ वाइल्ड लूप से, तो दुनिया के हर एक लैंग्वेज में वाइल्ड लूप होती है, तो वाइल्ड लूप तो यहाँ भी होता होगा। चलो लगाते हैं, हम बोलते हैं सी इज इक्वल टू जीरो, सी की इनिशियल वैल्यू, मैं काउंटर ले लेता हूँ, सी की इनिशियल वैल्यू जीरो कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे ये ब्रेक कंटिन्यू हटा दो, ये सब भी हटा दो, तो मैं यहाँ पे वाइल लूप लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ वाइल सी लेस देन इक्वल टू 10, तब तक काम करो जब तक सी की वैल्यू 10 से कम हो, 10 से कम या बराबर हो। और मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा और मैं यहाँ पे सी को डिस्प्ले करता हूँ, प्रिंट सी, और एक काम करो सी को बढ़ा लो, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, और मैंने यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे कर दिया प्रिंट सी। तो जो काम हम लोग फॉर लूप से कर रहे थे वो काम तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, ये देखो आ गया। लेकिन ये क्या 11 तक क्यों आ गया भाई? क्योंकि तुमने क्या करा भाई, 10 पे तो तुम लूप में आ गए, तो 10 पे जब तुम लूप में आ गए हो तो इसकी वैल्यू तो 11 हो गई होगी, तो एक काम कर दो लेस देन तक लगा दो। अब यदि मैं इसको रन करूँ तो ये देखो 10 आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं, ये हमारा वाइल्ड लूप है। वाइल्ड लूप भी उस तरीके से काम करता है जैसे हमारा फॉर लूप काम करता है, थोड़ा सा अंतर होता है जो हमें ध्यान रखना होता है। अब वाइल्ड लूप के अंदर भी तुम यहाँ पे, अरे मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ सी इज इक्वल टू 5, तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ब्रेक हो जाए, बाहर निकल जाए, ये राजी ब्रेक, रन करो। मैंने बता रखा है ना कि डबल इक्वल टू लगाओगे, क्या करते हो तुम लोग, गलतियाँ पर गलतियाँ करते हो। ये देखो 1 2 3 4 आ गया, 5 आया ही नहीं, बहुत सही। तो ब्रेक के जगह मैं यहाँ पे भी कंटिन्यू लगा सकता हूँ, अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यू लगा दूँ तो क्या होगा भाई, 5 को डिस्प्ले नहीं करेगा। और यहाँ पे भी मैं एल्स लगा सकता हूँ, ये अच्छी बात है, यहाँ पे एल्स सभी जगह है। मैं यहाँ बोलता हूँ प्रिंट, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एल्स, बात कर रहा था कि यहाँ पे वाइल के साथ भी हम एल्स लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, वाइल के साथ मैं एल्स लगाता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ प्रिंट थैंक्स एंड वेलकम, थैंक्स एंड वेलकम, डाल दिया। अब यदि मैं इसे रन करूँ, ये देखो, तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे फॉर लूप के साथ भी एल्स चलता है, वाइल के साथ भी एल्स चलता है, और एल्स चलता कब है, सबसे लास्ट में, यदि हम ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, पूरा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो जाता है, लूप चल जाता है तब। इसी तरह से हम यहाँ पे इफ भी लगा सकते हैं, फॉर भी लगा सकते हैं, वाइल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हम ब्रेक और कंटिन्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे प्रोग्राम के बेसिक्स हैं, इन बेसिक्स को थोड़ा सा आपको करके देखना है। तो आज आप लोग का एजेंडा यही होगा, ये जो फॉर लूप है, ये जो वाइल है, ये जो लूप है, इसको करके देखना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि भाई प्रोग्राम हम लिखते कैसे हैं, ये प्रोग्राम हम लिखते कैसे हैं, हम लिखेंगे कैसे इन प्रोग्राम को। ठीक, तो आज आप लोग को यही काम करना है। अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ प्रोग्राम देता हूँ, ये प्रोग्राम आपको बनाने की कोशिश करनी है, और जो प्रोग्राम आप बनाओगे पहले आप ये प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के बाद ये आपके होमवर्क हैं जो आपको करने हैं। और ये जो हमारे होमवर्क हैं, होमवर्क में क्या है भाई, होमवर्क में पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है कि आपको 1 से लेके आपको 50 से लेके 1 तक डिस्प्ले करना है सारे नंबर को। 50 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 to 1 डिस्प्ले करना, 10 से लेके 1 तक सारे नंबर को डिस्प्ले करना है, बहुत बढ़िया। 2 का टेबल डिस्प्ले करना है, 2 का पहाड़ा लिखना है। तीसरा काम क्या करना है, सारे इवन नंबर डिस्प्ले करने हैं फ्रॉम
1 to 20। और यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना नाम इनपुट करना है, अपना एज डालना है। यदि आपकी एज ग्रेटर देन होगी 40 से तो लिख द ओल्ड एज, और यदि आपकी एज लेस देन है 40 से तो आप लिख दो स्टिल टू कम। आपको बस यही चार प्रोग्राम बनाने हैं, ये चार प्रोग्राम आपको बनाने हैं। तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसके प्रैक्टिस करने के बाद आप ये चार प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है।